नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका फिर स्वागत है। आपने एक डायलॉग सुना होगा नाना पाटेकर का, एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। ये जो डायलॉग है ये फिल्म में किस संदर्भ में यूज किया गया आप उसको देखकर पता लगाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है। जो लोग मच्छरों के शिकार हुए हैं उनसे आप इस बात को तस्दीक कर सकते हैं, बल्कि आप खुद अपने अनुभव से ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मच्छर जहाँ पे होते हैं वहाँ हमारा काम करना, रहना, उठना, बैठना किस तरह से दुभर हो जाता है। इवन खटमल जहाँ होते हैं तो रात में किस तरह से नींद हराम होती है ये हर भारतीय अच्छे तरीके से जानता है। आज के हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने इसमें कुछ स्पेशल किया है, कुछ एक्सपर्ट की कोई इनोवेट उन्होंने इनोवेशन इस तरह का किया है जिससे आप इन मच्छरों से, खटमलों से 24 घंटे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कर रहा हूँ, आप हैं मयूर मालपानी जी। मयूर जी नमस्कार। मयूर ने अपनी कंपनी के जरिए एक इस तरह का प्रोडक्ट तैयार किया है, एक्चुअल में प्रोडक्ट का फाइबर तैयार किया है, फैब्रिक तैयार किया है, जिसके जरिए इन्होंने इस तरह के कपड़े बनाए हैं जिनमें जिनको पहनने से आपको मच्छर या खटमल या इस तरह के इंसेक्ट्स कुछ भी आप पे असर नहीं करते हैं, बल्कि वो दूर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ सिर्फ इन्हीं वजह से होती हैं, वहाँ एक ये बड़ा चमत्कार जैसा है। हालांकि विदेशों में इस तरह का फैब्रिक पहले से बनाया जा चुका है, लेकिन इसका उपयोग मास के लिए नहीं हो रहा था, जनता के लिए इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो आइए हम सबसे पहले मयूर से ही जानते हैं कि मयूर आपने ये किस तरीके से फैब्रिक तैयार, बेसिकली आपको आइडिया कहाँ से आया? सर, मैं और मेरी वाइफ श्रेष्ठा हम दोनों को फाउंडर्स हैं कंपनी के। क्लोथिंग इनोवेशंस में हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इंटेलिजेंट फैब्रिक्स बनाएं, आपके जो अपेरेंस हैं उसको कितनी इंटेलिजेंटली हम लोग कन्वर्ट करके उसका यूसेज आपकी बॉडी के रहन सहन के हिसाब से सेट कर पाए। तो इसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करी है वो है इंसेक्ट रिपेलेंट फैब्रिक्स एंड अपेरल्स। सर, इंसेक्ट रिपेलेंट से मतलब है मेरा कि मच्छर, मक्खी, कीड़ियाँ, बेडबग्स, खटमल, ये सभी प्रकार के जो मच्छर और कीटाणु हैं ये इन सबको बचा सकते हैं हमारे फैब्रिक्स। ये फैब्रिक्स इसीलिए इतने फेमस हो रहे हैं सर क्योंकि हमने इसका जो अनुमान है वो पूरे विदेशों के पैटर्न से ही इसको लेकर सेट किया है। थोड़ा सा मयूर इस बारे में बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई और क्या ये चैलेंजिंग था, और चैलेंजिंग था तो कितना चैलेंजिंग था? सर, मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग में है, मेरी वाइफ का बैकग्राउंड मार्केटिंग एंड एनजीओस के साथ में काम कर रहा हूँ। पहले हमने ये प्रॉब्लम इशू कर फेस करी है सर, करीबन पिछले 4-5 साल से लगातार ही हम लोग इसके लिए जुजारू रूप से काम कर रहे थे कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएं। इनिशियली हमने एक हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करा था फैब्रिक रोल ऑन, जिसके थ्रू सर आपको 7-8 आवर्स का प्रोटेक्शन मिलता है, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ऑयल्स के थ्रू बनता है ये प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की भी हमने यूजफुलनेस देखी सर कि मार्केट में हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कोई रिप्लेसमेंट चाहिए जो कि बिना किसी और काम को करे हमको मच्छरों से और कीटाणुओं से बचा पाए। हाँ, मतलब जो आपके साथ भी रहे। यस, क्योंकि आप मच्छर की अगरबत्तियां लेकर के नहीं घूम सकते हैं। बिल्कुल। या फिर आप रिफिल्स वगैरह बार बार करते हैं उनको भी बता दें, मुझे साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। बिल्कुल। और आप वो चेंज करते हैं जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आते हैं बाजार। जी सर, जैसे कि सर बाजार में एक बहुत फेमस क्रीम है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर अधिकतर माएं अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए वो क्रीम यूज करती हैं, पर उसमें सर सबसे हानिकारक परसेंटेज होता है डीईटी का, जो कि एक कैंसर पैदा करने वाला कीटाणु का देने वाला केमिकल होता है। इसी का हमने रिप्लेसमेंट निकाला सर। हमारा मेजर कॉम्पिटिशन, मेजर आप देखेंगे कि हम डीईटी बेस्ड प्रोडक्ट से दुनिया को दूर लेके जाने चाहते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ। ये किस तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक बेस्ड है? सर, ये एक प्लांट होता है सर सेट्रोफेनल, उसका एक रॉ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट निकलता है ये। जी जी। इसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हमारे फैब्रिक के ट्रीटमेंट में, और सिट्रोनेला और यूकलिप्टस जो ऑयल है उसका हम यूज करते हैं फैब्रिक रोल ऑन्स को बनाने के लिए। मैं एक चीज और बताएं, आप ये क्लियर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए करें कि किस तरीके का ये फैब्रिक होता है। एक्चुअली नॉर्मल फैब्रिक है या आपका कोई स्पेशल तरीके का, कोई अलग तरीके से बनाया गया फैब्रिक है जिसे आसानी से पहना जा सकता है? सर, जो फैब्रिक्स ये हम बात कर रहे हैं वो फैब्रिक्स सर कोई भी अलग प्रकार के फैब्रिक्स नहीं है, ये अपनी आम दिनचर्या के फैब्रिक्स हैं।
कॉटन बेस्ड फैब्रिक्स आप मान लीजिए, आप नॉन यूजेबल फैब्रिक्स मान लीजिए, रीयूजेबल फैब्रिक्स मान लीजिए, नेचुरल फैब्रिक्स मान लीजिए, मेनवेट फैब्रिक मान लीजिए, इन सभी फैब्रिक्स पे सर हम लोग एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एक डाइंग टेक्नोलॉजी की तरह ही काम करता है और फाइबर से जाके बॉन्ड हो जाता है। तब जब ये फैब्रिक से बॉन्ड हो जाता है सर, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50 वॉशेस तक के लिए चली जाती है। 50 वॉशेस तक वो आपका जो प्रोडक्ट है जो उसमें कोट किया गया है वो काम करेगा और इस तरह के इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज वगैरह को रिपेल करता है, इनको रिपेल करता है। यस, तो 50 वॉशेस तक की सर हमारे पास ट्रायल स्टडीज हैं, 70 वॉशेस तक की हमने ट्रायल स्टडीज कॉटन फैब्रिक्स पे करी है। इसी के लिए सर हमारी पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी है, अभी अंडर पेटेंट पेंडिंग प्रोसेस है सर वो टेक्नोलॉजी। उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू सर हम लोग अभी फैब्रिक्स को एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल भी कर रहे हैं। अरे वाह, मैं मयूर एक बात और इसमें पूछना चाहूँगा कि जिस तरह के फैब्रिक की आप बात कर रहे हैं, वो फैब्रिक हिंदुस्तान के जो आप देखते हैं जो आम आबादी है, जो मध्यम वर्ग है, वो बहुत उस तरीके का डिजर्व नहीं करता कि बहुत बहुत सारे महंगे कपड़े खरीद पाए, पहन सके। बिल्कुल। तो आपने कॉस्टिंग का क्या इसमें रखा है कि किस तरीके के लोग उसको उपयोग में ले सकते हैं? सर हमारा इनोवेशन इंडिया के लिए यही था कि हम किस तरह इस टेक्नोलॉजी को जो कि दूसरे विदेशों में, यहाँ की यूरोप यूएस में सिर्फ मिलिट्री यूज कर पा रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी को हमने मास के लिए प्रोड्यूस करने के लिए हमने इस तरीके से कॉस्ट रिडक्शन करा है और मशीनरीज को प्रोडक्टाइज करा है कि हमारी जो कॉस्ट आती है सर वो 2 रुपए पर वॉश की कॉस्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। सिर्फ 2 रुपए पर वॉश की कॉस्ट? यस सर, अगर आपको 50 धुलाई तक का फैब्रिक चाहिए तो हमको सिर्फ 2 रुपए पर कॉस्ट की फैब्रिक, एक्स्ट्रा सिर्फ 2 रुपए ही लगेंगे। यस सर। तो एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि आपने इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, आपने मेरे ख्याल से कोई आउटलेट्स अभी आपने रखे नहीं है, लेकिन किस रेंज में अभी आप इसको प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं? सर हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी इंदौर रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में ही है, हम लोग पूरा हमारा ट्रीटमेंट और प्रोडक्शन वहीं से करते हैं फिलहाल। अभी हमारे सर मेजर कस्टमर बेस साउथ इंडिया, गल्फ कंट्रीज हैं। हम लोग एक नेशनल चेन्स के साथ टाई अप में प्लान कर रहे हैं, प्लस हमारे अपेरल्स आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब वेबसाइट्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। मयूर, ये आपने जो इस तरह का जो बीड़ा उठाया, ये कई ऐसी जगह हैं जहाँ इंडस्ट्रियल यूजेस में बहुत इसका उपयोग हो सकता है, इंडस्ट्रियल में हो सकता है। दूसरा मेन पर्पज आर्मीज या जो उस तरह की फोर्सेज हैं जो कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, तो क्या इस तरह भी आपने कुछ करने की कोशिश की है? सर हम हमारे लेवल पे ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्ट किया है, तो हम लोग मिलिट्री कैंप्स जो हैं अपने मिलिट्री महू में जो है उसी के पास में सर टेलर शॉप्स के जहाँ पे इनकी स्टिचेस यूनिफॉर्म स्टिच होती हैं वहीं पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लान करी है। हम वीकली वहाँ जाकर उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी से फैब्रिक्स लेके आते हैं और उसी फैब्रिक्स को ट्रीट करके हमारे जवानों को दे रहे हैं, जो कि सर हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट और हमारे MOU होता है इसके बीच में, तो हम ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया सभी मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो कि ऐसी रेंजेस में जाते हैं जहाँ पे मच्छरों का और ज्यादा कीड़ों का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, वहाँ पर हम उनको सर्व कर पाए। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं इन चीजों से, तो उनके लिए किस तरह से आपने प्रोडक्ट तैयार किया है? सर जब हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स की खोज कर रहे थे तब हमने भी हमारे बच्चे को ही ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। तो इस रिगार्डिंग सर हमने हमारी पूरी प्रोडक्शन लाइन बनाई है बच्चों के लिए, जिसमें कि न्यू बॉर्न बच्चों के लिए हमने एक बहुत अलग नए प्रकार के गारमेंट्स स्टार्ट करे हैं जिसको हम स्लीप बैग्स बोलते हैं। सर बच्चों को रात में सबसे ज़्यादा एक इशू रहता है, एक तो कीड़े का, मच्छरों का, प्लस दूसरा सर अपनी टॉप शीट्स को वो लोग बेडशीट्स जो रहती हैं उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, कंबल को बाहर फेंक देते हैं, और रात में ठंड और गर्मी के कारण उनका जो शरीर है वो कमजोर पड़ने लग जाता है धीरे धीरे। तो इस चीज का हमने सॉल्यूशन निकाला है स्लीप बैग। सर आर्मर स्लीप बैग एक ऐसा प्रोडक्ट है सर अपने आप में जो कि इंटेलिजेंटली बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसमें 3 अलग अलग टाइप की लेयर्स रहती हैं जो कि समर, विंटर और बारिश के हिसाब से बनाई है इसके अंदर सर। तो इस फैब्रिक को सर इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है कि इससे आपको मच्छरों और कीटाणुओं से भी मुक्ति मिलती है, प्लस आपके बच्चे का एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के कारण ग्रोथ बढ़ती है बच्चे की। मयूर, आप अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के काफी आगे तक जाएं और लोगों को प्रोटेक्ट करें, ना सिर्फ मच्छरों के प्रकोप से बल्कि इंसेक्ट से वो स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक्स।